और उधर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने 10 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 5 दिन के रिमांड देने का फैसला किया। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक पूछताछ करने को कहा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी प्रतीत होती है। संजय सिंह से पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाएगी। पूछताछ के दौरान के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाएगा। हर 48 घंटे में एक बार संजय सिंह की मेडिकल जांच की जाएगी। इस दौरान आरोपी संजय सिंह अपने वकील से मिल सकते हैं। वकीलों से रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए मुलाकात करने की इजाजत है। मुलाकात के दौरान ईडी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुनेंगे। संजय सिंह को अपनी पत्नी और पिता से भी हर दिन आधा घंटा मिलने की अनुमति है। आरोपी संजय के ब्लड प्रेशर की दिन में 2 बार जांच की जाएगी। हिरासत के दौरान दिन में 1 बार संजय सिंह की शुगर की जांच की जाएगी। रिमांड पूरी होने के बाद ईडी को 10 अक्टूबर दोपहर 2 बजे संजय सिंह को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करना होगा। एक दिन पहले दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया। मतलब अगले 5 दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ईडी की हिरासत में रहेंगे, जहां उनसे दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी। इस दौरान संजय सिंह ने ईडी की इस कार्रवाई को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे, इसलिए संजय जी। संजय सिंह को एक दिन पहले दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान उनके घर पर ही उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गयी। और उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत भी अपने सबाब पर पहुंच चुकी है। विपक्षी संगठन इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। पत्रकारों के साथ हुआ है, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो पत्रकारों के साथ हुआ है वो तो बहुत ही जो विरोध को असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये तानाशाही रवैया है। यदि पत्रकार अपने कलम से कुछ लिख दे जो निष्पक्ष हैं या आपकी आलोचना कर दें तो उसे जेल में ठूसें, तो ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग और तेजी से बढ़ा दिया गया है। आज जब जब इलेक्शन नेड़े आ रहे हैं, जब जब इंडिया अलायंस तेज हो रहा है, जब जब आम आदमी पार्टी बीजेपी का विरोध करती है, तब तब मैं समझता हूँ ईडी जो है अपनी रेस तेज करती है। पर लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम बीजेपी का विरोध करेंगे, चाहे जितनी मर्जी नई जेलें बना ले हमारे लिए, जितनी मर्जी जेलें बना ले, जितनी मर्जी हमें जेल में डाल दे, पर हम देश के लोगों की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, और जो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार फैलाया उसकी बात उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश के कई शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक रोज पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद वहां उन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस पहुंच गई, जिसने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा मुंबई में भी संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इस दौरान वहां भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उनमें कई लोगों को हिरासत में ले लिया।